हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से आप लोगों को बताने वाले हैं न्यू अपडेट इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। जी हाँ गाइस, अपने गेम के अंदर नया अपडेट आ चुका है। अपने गेम के अंदर पुलिस स्टेशन, GCB और बहुत सारी कार्स ऐड हुई हैं। तो इस वीडियो में उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, अब मैं जल्दी से चलता हूँ आप लोगों को बताने कि हम लोग का जो अपडेट आया है वो कैसा है। तो उसके पहले अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। तो आप लोग को अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग सामने जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं यही अपने गेम के बाद अपने गेम के अंदर ऐड हुआ है। और जो ये बिल्डिंग है ये ऐसा वैसा कोई बिल्डिंग है नहीं, ये पुलिस स्टेशन है भाई। आप लोगों को मैं अंदर चल के दिखाने वाला हूँ। जो अपने गेम के अंदर नया अपडेट आने वाला था वो अब आ चुका है और ये पुलिस स्टेशन भी अपने गेम के अंदर ऐड हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बना है। तो हम लोग अपनी कार को पार्क कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर। उसका मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बहुत सारे अपडेट। और भाई आप लोग देख सकते हैं पुलिस स्टेशन भाई अपने गेम के अंदर ऐड हो चुका है। तो सामने पुलिस स्टेशन लिखा भी हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ अंदर। एंटर करते ही हम लोगों को पुलिस स्टेशन सामने लिखा रहेगा, और सामने इतना बड़ा स्टार लगा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ भी रख उठी हैं भाई। इतने बड़े बड़े मेज जो हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब कुर्सी सॉरी, और इधर भी 3-4 कुर्सी रखी हुई हैं। और सामने जेल है, और यहाँ पे बहुत सारी खिड़की, मतलब पूरे खिड़की से साइड में बना है, और यहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हैं 1, 2, 3, 4, 5। जी हाँ का एक जेल के अंदर 5-5 CCTV कैमरे, और यहाँ पे सामने जेल बनी हुई है। यहाँ पे भाई अभी कोई किडनैप नहीं हुआ है, लेकिन देखो कौन होता है भाई पहला, क्योंकि अपने गेम के अंदर नए अपडेट के बाद भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई ये पुलिस स्टेशन। और लगता है सारे जो पुलिस हम लोग मंगाते थे बंदे को मार के, अब यहाँ पे बैठेंगे भाई इस चेयर पे। भाई 3-3 चेयर लगी है, एक पे कमिश्नर और 2 पुलिस बैठेंगे इधर। लेकिन भाई जो पुलिस स्टेशन का अपडेट आया भाई ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन भाई मुझे ये नहीं समझ में आया भाई, एक पुलिस स्टेशन के अंदर 5-5 CCTV कैमरे, लगता है चोर बहुत तेज बहुत सतर्क होते हैं, मतलब बहुत ही शातिर होते हैं। तभी भाई इन लोगों के लिए 5-5 CCTV कैमरे लगाए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को अब एक कार के बारे में चीट कोड बताने वाला हूँ। आप लोग अपना फ़ोन ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग उसमें 8880 डायल करने के बाद आपके गेम के अंदर हमारा आ जाएगा। जी हाँ गाइस, आपके गेम के अंदर जो नई कार ऐड हुई है वो है हमर भाई अपने गेम के अंदर ऐड हो चुकी है भाई। इसकी स्पीड मैं आप लोग को टेस्टिंग करने के बाद बता दूंगा, क्योंकि भाई इसकी स्पीड जो है वो अपने गेम के अंदर कोई भी कार और बाइक के अंदर नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड अगर एक बार भागने लगती तो रुकने का नाम नहीं लेती। और अपने गेम के अंदर JCB भी ऐड हुआ है, तो उसका भी मैं चीट कोड बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई यहाँ पे 2-2 पार्किंग बने हैं, यहाँ पे हम लोग कहीं पर भी अपनी कार और बाइक को पार्क कर सकते हैं। और भाई मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ JCB का चीट कोड। जी हाँ गाइस, JCB का चीट कोड मैं बताने जा रहा हूँ। उसके पहले अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो भाई मैं जल्दी जल्दी फ़ोन निकाल लिया है, उसके बाद मैं आप लोगों को अब JCB का चीट कोड बताने वाला हूँ। 7 डायल करने के बाद अपने गेम के अंदर JCB आ जाएगी। जी हाँ गाइस, फाइनली हम लोगों के गेम के अंदर JCB आ चुकी है। तो इसके कंट्रोल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग जैसा मैं बताऊँगा सेम वैसा अपने करिए, तभी आप लोगों को ये पूरा जो कंट्रोल है आप लोग, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि सबको जल्दी नहीं समझ में आता है। और मेरे घर के बगल में थोड़ा भागवत हो रहा है, इसलिए अगर आप लोगों को दूसरी आवाज़ आती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे जो ये ऊपर भाई, इसको इससे करने के बाद ऊपर होगा उसका, उसको अगर हम लोग और दबाएंगे तो नीचे हो जाएगा। उसके जस्ट ऊपर वाला अगर हम लोग दबाएंगे तो ये फिर से ऊपर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग फिर से नीचे वाला दबाएंगे ये नीचे हो जाएगा। और उसके जस्ट नीचे वाला, इधर दूसरी साइड में अगर हम लोग आ जाएंगे तो अगर बीच वाला दबाएंगे तो सीधा ये पीछे वाला है ये ऊपर होने लगेगा, और उसके बगल वाला दबाएंगे तो वो नीचे होने लगेगा। फिर ऐसे ही ऊपर नीचे ये वाला रहेगा। उसके बाद हम लोग अगर आप लोगों को दूसरा बताते हैं, उसके तीसरे नंबर पे जो है अगर उसको दबाएंगे तो जो अपना पीछे वाला जिससे मिट्टी उठती है भाई, वो ऊपर नीचे होने लगे, ऊपर ऐसा ही है। उसके बाद अगर हम लोग
ऐसा भाई, अगर हम कोई वीडियो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो भाई नीचे जो चार दिए हैं, अगर हम लोग को एकदम साइड वाला साइड में अगर जो दबाएंगे तो उससे जो अपना ये जेसीबी है उससे उठी, और जो इधर दोस्त है अगर इसको दबाएंगे तो अपना जो ये पीछे जहाँ से मिट्टी उठती है ये साइड दबाएंगे बटन, तो दूसरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके तो मैं सिर्फ जेसीबी के कंट्रोल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा उस वीडियो में, जिसमें अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग अपने गेम के अंदर एक बार ट्राई करिए, आप लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा। तो भाई इसकी स्पीड तो अभी उतनी है नहीं, तो मैं चलता हूँ आप लोगों को और सारे मतलब चीज बताने जो अपने गेम के अंदर नए अपडेट के बाद ऐड हुए हैं। मेरे हिसाब से अभी अपने गेम का जेसीबी और हमर और ये पुलिस स्टेशन ही ऐड हुआ है, क्योंकि इसके सिवा भी कोई अभी गेम के अंदर चीट कोड या फिर कोई चीज नहीं आया है। तो भाई इतने ही अपडेट आए थे, लेकिन आप लोगों को जेसीबी का अगर चीट कोड अगर नहीं मालूम है तो 6677 जेसीबी का चीट कोड होने वाला है, आप लोग जल्दी डायल करके अपने गेम के अंदर ले सकते हैं। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं इस आदमी को अपने जेसीबी के सामने बैठा लेता हूँ, देखते भाई बैठ पाएगा कि नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, उसके बाद भाई बंदा कहाँ है भाई, इसको हम तो मैं आज इसमें लटका के लेके चलूंगा भाई, बहुत हीरो बनता है आज मैं ये भाई मारा, भाई कुछ हो ही नहीं रहा भाई, थोड़ा और नीचे करके सीधा डायरेक्ट उठा दूंगा जमीन में से इसको। बाबे भाई उठ जा, अरे भाई बहुत तेज भाई, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, लगता है ये नहीं उठेगा भाई। भाई अबे भाई ये नहीं उठा, मर गया भाई, लेकिन हम लोग तो उठ गए थे भाई, हम लोग की जो जेसीबी थी वो उठ गई थी, लेकिन बंदा ये नहीं उठा भाई, ये तो वहीं पर खड़ा ही रहा। तो भाई यहाँ पे कार जा रही, इसको मैं उठाता हूँ भाई, ये लोग मतलब इस डर के जितने कार और बाइक कुछ भी है इनको हम लोग इस जेसीबी से नहीं उठा सकते भाई, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है भाई। ये लड़की भाई सामने थी भाई, उठी तो अबे नहीं, अबे भाई जो ये अपने बंदा था भाई, ये अपने जेसीबी के आगे आके लटक गए भाई, मर चुका है, लेकिन हम लोग इसको उठा देते हैं। ओ भाई अबे भाई इसका जो सर था वो अपने जेसीबी के में फंस चुका है, और ये भाई लटक चुका है भाई, अबे भाई जैसे गोश्त भाई, गोश्त जैसे भी ये है भाई, इसने खून तो कर दिए भाई। ये पहला अपडेट और पहला जेसीबी ने हम लोग का जो ये बंदा है इसको खत्म कर दिया है भाई, ये लटक के झूल रहा है भाई, ये गायब हो चुका है। अब मैं चलता हूँ आप लोगों को बताने कि हम लोग अपने गेम के अंदर जो हमर है इसकी स्पीड कितनी जा सकती है। वैसे दिखता तो नहीं है हमर की स्पीड, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा चला के चेक करेंगे कि इसकी स्पीड लगभग कितनी होनी चाहिए, कितनी हो सकती है। तो मैं जल्दी हमर को बुला लिया है, उसके बाद मैं इसके अंदर बैठ के आप लोगों को इसकी स्पीड चेक कराने जा रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा पीछे लेके उसके बाद इसकी स्पीड आप लोगों को मैं चेक कराने जा रहा हूँ। तो ऑलराइट गाइस, भाई इसकी स्पीड तो भाई बहुत है, आप लोग देख सकते हैं भाई, भाई ये सबको उड़ा उड़ा डाल रहा है भाई, किसी को नहीं छोड़ रहा भाई। इसकी स्पीड तो वाकई में बहुत ही तेज है भाई, इसमें क्या पीछे फंस गया, और भाई जो कार है टूटती भी नहीं, यहाँ गाइस इतना इसको ठोकर लगा लेकिन भाई कार वैसे ही के वैसे ही रह गई, इसको 1% भी खरोच नहीं आया भाई। इसको मैं और थोड़ा तेज भगा के आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ भाई, इसकी स्पीड जो है बहुत ही तेज है। तो भाई इसकी स्पीड आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज है, लेकिन भाई ये कार रुकने का नाम नहीं ले रही, हर एक पेड़ गिर जा रहे वक्त पर ये कार जो है ये नहीं रुक रही भाई। इसकी स्पीड वाकई में बहुत ही तेज है, हद से ज़्यादा भाई तेज है। अगर किसी कार के ऊपर अगर ठोकर लगता है तो भाई ये कार जो भाई दूसरी कार थी वो पलट उलट के पता नहीं कहाँ गई, लेकिन जो अपनी ये कार है भाई इसकी स्पीड तुरंत आ जाती है भाई उतनी। अगर मैं इसके ऊपर से जंप लगा दिया है भाई, बहुत ही ऊपर चली गई थी अपनी कार भाई, लेकिन इसकी स्पीड अपने जितनी अपने गेम के अंदर कार और बाइक्स ऐड हुई हैं उससे कई गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। आप लोग देख सकते हैं भाई कितनी स्पीड से चल रही है, 2 मिनट लगा मुझे पुलिस स्टेशन पे आने में, लेकिन ये कार भाई वाकई में सबसे तेज है। तो फाइनली आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोगों के गेम के अंदर बस इतने ही सारे अपडेट आए थे, मैंने आप लोगों को बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।